नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V40 Pro 5G versus Moto Edge 50 Neo 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो V40 Pro में 6.47 इंच जबकि 50 Neo में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि V40 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो V40 Pro में 2.96 इंच जबकि 50 Neo में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि V40 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो V40 Pro में 0.3 इंच जबकि 50 Neo में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि V40 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V40 Pro में 192 ग्राम जबकि 50 Neo में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो V40 Pro में AMOLED जबकि 50 Neo में PoLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो V40 Pro में 6.78 इंचेस जबकि 50 Neo में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन V40 Pro में 1260x2800px FHD+ और 50 Neo में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो V40 Pro में 89.91% जबकि 50 Neo में 90.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो V40 Pro में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 50 Neo में 402 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो V40 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 50 Neo की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो V40 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 Neo की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो V40 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 50 Neo में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो V40 Pro में Immortalized G715MC 11 जबकि 50 Neo में Mali G615MC 2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो V40 Pro में MediaTek Dimensity 9200 Plus और 50 Neo में MediaTek Dimensity 7300 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी V40 Pro में 5500 mAh जबकि 50 Neo में 4310 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो V40 Pro में 2 कलर्स जबकि 50 Neo में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो V40 Pro 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें 50 Neo की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Vivo V40 Pro 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Moto H50 Neo 5G की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।